हाँ जी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तो चलो भाई, फिर से एक क्वेश्चन लेकर आ रहा है, और क्वेश्चन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब, पिछली जो लेक्चर डाला हुआ था ना, उसके बाद बच्चों का कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया, और कमेंट्स ऐसा आने स्टार्ट हो गया कि सर प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, इस क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फॉरेक्स का क्वेश्चन है। तो चलो, ये वीडियो मुझे डालना ही था, तो चलो डाल देते हैं। और एक बात, आपको क्या प्रैक्टिस मैनुअल, बच्चे क्या कर रहा है कि प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर लिख दे रहा है, पर मुझे कौन सा एडिशन है ये कैसे पता लगेगा? तो कोशिश ये कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पेज नंबर, एडिशन, ये सब चीज़ डाल, जब तक मुझे पता नहीं लगा मैं कैसे वीडियो अपलोड करूँगा। तो अगर जिस भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए, समझना है, तो क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे पीएम का एडिशन भी लिखिएगा, ठीक है? चलो जी, तो क्वेश्चन पीएम का है, और पीएम अब कौन सा एडिशन है, तो क्वेश्चन आपके सामने, आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है ड्रिल डिप इनकॉर्पोरेशन, ड्रिल डिप इनकॉर्पोरेशन, ठीक है जी, ओके, ठीक। लिखा है ड्रिल डिप इनकॉर्पोरेशन अ यूएस बेस्ड कंपनी। तो यहां से बात समझ में आ रही, कंपनी कहां की है, यूएस की। Has won a contract in India for drilling oil field, ठीक है। कंपनी कहाँ की है, यूएस की। उसको काम मिल गया कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, कहाँ का काम मिला, इंडिया में काम करने वाली यूएस की कंपनी, काम कहाँ हो रहा है, इंडिया में। यहाँ तक बात समझ। तो प्रोजेक्ट विल रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹500 करोड़। सिंपल सी बात यह है कि यूएस की कंपनी इंडिया में काम कर रही, तो इंडिया में तो करेंसी कौन सी चलती है, रुपया। तो कितने रुपए की जरूरत है, बोले 500 करोड़ रुपया है। तो फक ठीक है, यूएस वाली कंपनी को क्या खरीदना पड़ेगा, रुपया खरीदना पड़ेगा, डॉलर लगाना पड़ेगा। लिखा द ऑयल फील्ड अलोंग विद द इक्विपमेंट विल बी सोल्ड टू इंडियन गवर्नमेंट फॉर 740 करोड़ इन 1 ईयर टाइम्स। सर मतलब क्या है? मतलब बड़ी सिंपल सी बात है कि प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही साल का है, ड्रिलिंग का। एक साल में आप ड्रिल कीजिए, निकलिए। जब आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो आपको 500 करोड़ रुपया लगने वाला है, और एक साल बाद जब आप काम करके निकलोगे तो आपको 740 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट को सोल्ड कर देंगे, जो भी इक्विपमेंट है, और 740 करोड़ रुपये मिल जाएगा। सीधी सी बात है, फायदा दिख ही रहा है। लगाओगे कितना, 500 करोड़ मिलेगा कितना, 740 करोड़, ठीक। सिंस द इंडियन गवर्नमेंट विल पे फॉर द अमाउंट इंडियन रुपीज, द कंपनी, ओ एक और दिक्कत, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो 740 करोड़ रुपया देने वाली, रुपया, वो आपको डॉलर में पेमेंट नहीं कर रही। और मैं कौन हूं, मैं हूं यूएस कंपनी, मेरा नाम क्या है, ड्रिल डिप इनकॉर्पोरेशन, और मैं टेंशन में। क्यों टेंशन, किस बात की? क्योंकि मुझे जो मिलने वाला है वो डॉलर्स में नहीं मिलने वाला, मुझे मिलने वाला है रुपीस में। अगर मुझे रुपीस में मिलने वाला है तो टेंशन तो है बेटे। और टेंशन क्या है, रुपया को मुझे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा किस में, डॉलर में, यूएस ले जाना है। तो सर टेंशन है, हाँ, और टेंशन है कि जितना डॉलर्स, डॉलर का रेट कम ना हो जाए, सर कम ना हो जाए, मतलब रुपया से डॉलर में मैं कन्वर्ट करवाऊंगा तो रिस्क है कि नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होगा, तो उसकी वजह से मेरी यूएस कंपनी, मुझे लॉस भी तो हो सकता है, ठीक। तो समस्या किसकी है, समस्या इंडियन कंपनी की नहीं है, समस्या है यूएस कंपनी की। मुझे किसके हिसाब से क्वेश्चन करना है, मुझे इस बार यूएस कंपनी के लिए काम करना है, उसके लिए बताना कि किस तरह से हेज किया जाए। आगे क्या लिखा, द कंपनी इज वरीड अबाउट एक्सपोजर ड्यू एक्सचेंज रेट वॉलिटिलिटी, वही बात लिखी हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ स्वैप, एक स्वैप डिजाइन करना, दैट विल हेल्प द ड्रिल डिप टू रिड्यूस द एक्सचेंज रेट रिस्क। बस यहां होश उड़ गए। हमने अभी तक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और क्या क्या पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। अब बोला स्वैप डिजाइन करो, स्वैप कंस्ट्रक्ट, क्या करे भैया, स्वैप मतलब कहाँ, किससे क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा। बस क्वेश्चन एक लाइन में खत्म कर दिया बात, बड़ी दिक्कत की बात है।
assuming that Indian government, point number B padhao, assuming that Indian government offer a swap at spot which is $1 is equal to 50 in 1 year, then should the company should opt this option or should it just do nothing? The spot rate after 1 year is expected to be $1 is equal to 54. Further, you may also assume that drill dip can also take a US dollar loan at it. खूब शुरुआत अच्छी रही यहाँ तक, काफ़ी कुछ हमको समझ में आ गया. लास्ट में बैंड बज गई. इधर बोल क्या रहा, पहले नंबर में बोल रहा स्वैप डिज़ाइन करो. अब यार स्वैप कैसे डिज़ाइन कर, इंटरेस्ट रेट हो तो बात समझ में आता, यहाँ ये वाला स्वैप तो हमने पढ़ा नहीं. और दूसरा पता नहीं ये क्या क्या बोल दिया. आराम से सुनना, एक बात समझ लूँ. YouTube चैनल में मैं वही क्वेश्चन अपलोड करता हूँ जिसमें जनरली बच्चों को प्रॉब्लम होती है. तो प्लीज़ मैं जानता हूँ इस क्वेश्चन में फंस सकते हो, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनोगे मेरी बात को. मुझे ज़्यादा जगह चाहिए, तो ज़्यादा जगह चाहिए तो सर इसको फिर आपको छोटा कर लेते क्वेश्चन. यस, इसको यहाँ ऐसे सेट कर लेते. ठीक है, अब आराम से ना, बिल्कुल धीरे धीरे काम होगा. पहली बात, कोशिश करो ज़्यादा जल्दबाजी मत किया करो पढ़ाई में, बिल्कुल आराम से मेरी बात समझो. अब मैं सारी चीज़ें यहाँ डिजाइन बनाता हूँ कि क्या क्या काम हो रहा है. ठीक है, ये लो, कहाँ की कंपनी है सर? यूएस की कंपनी है. अच्छा, ये लो, ये सर ये तो पर्सन हुआ. हाँ मान लो यही कंपनी है, इसका नाम क्या है? ड्रिल डिप, ड्रिल डिप इनकॉर्पोरेशन है. ठीक है, वहाँ इनकॉर्पोरेशन ही तो चलता. और साहब इन लोगों को प्रोजेक्ट कहाँ लगाना है? सर प्रोजेक्ट लगाना है इंडिया में. इंडिया, ठीक है, यहाँ क्या लगाना है? प्रोजेक्ट. और प्रोजेक्ट में कितना रुपया लगने वाला? प्रोजेक्ट है 500 करोड़ का. ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नहीं. सवाल ये है कि ड्रिल डिप पैसा लगाने वाली है कितना रुपये? 500 करोड़. पर यूएस में जो ड्रिल डिप इनकॉर्पोरेशन है उनके पास रुपीस तो अवेलेबल नहीं होगा, उनके पास क्या अवेलेबल होगा? डॉलर्स. यूएस में तो डॉलर्स ही चलते हैं. ठीक, अब ध्यान से समझोगे बेटे मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ ध्यान से. ये लो बेटे, मान लो ये इंडियन बैंक है, स्वैप बैंक बोल दिए ना सर? हाँ स्वैप बैंक, अच्छा नाम लग रहा. मैं स्वैप का मतलब समझा रहा हूँ. मैं स्वैप बैंक, अब देखो बेटे ड्रिल डिप इनकॉर्पोरेशन क्या करने वाला, मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा. उसमें कुछ नहीं लिखा है. अगर आप सोच रहे क्वेश्चन में कहीं लिखा, क्वेश्चन में कोई भी बात नहीं लिखी हुई है, पर जैसे ही मैं समझाऊंगा तो वो बातें आपको ऑटोमेटिक दिखने लगेगी, ऑटोमेटिक. ठीक है, ओके सर. तो करेगा क्या? ड्रिल डिप इनकॉर्पोरेशन स्वैप बैंक के पास आता है और स्वैप बैंक से बोलता है, सुनो स्वैप बैंक, सुनो हम आपको आज, सुना ध्यान से क्या बोल रहा, हम आपको आज एक काम करते हैं, हम दे देते हैं डॉलर्स और आप हमें दे दीजिएगा रुपीस 500 करोड़. आप दे दीजिए 500 करोड़, बदले में हमसे क्या ले लीजिए? डॉलर्स ले लीजिए. कब की बात हो रही है? आज की बात, टुडे. सर कितना डॉलर्स? बेटे अभी कहीं भी रेट नहीं लिखा है, पर यहां लिखा स्पॉट रेट. स्वैप गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ऑफर है स्वैप एट स्पॉट रेट, $1 = $50. तो $500 = 500 करोड़ है ना. $500
500 डिवाइडेड बाय 50 $10 करोड़ ठीक है यहाँ तक। $1 इज इक्वल टू 50, तो 500 करोड़ रुपया इज इक्वल टू $10 करोड़ यहाँ तक ठीक है। हाँ सुनना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ड्रिल रिप इनकॉर्पोरेशन क्या करने वाला है, वो देगा डॉलर किसको, गवर्नमेंट बैंक है, स्वैप बैंक, गवर्नमेंट समझ लो इसको, $10 करोड़ और बदले में क्या ले लेगा, 500 करोड़, यहाँ तक ठीक है। और बोलेगा भी कि स्वैप बैंक ये जो 500 करोड़ है ना, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में लगाना है, बोले ठीक एक साल बाद हम आएंगे। कौन बोल रहा है, ड्रिल रिप इनकॉर्पोरेशन, बोले हम एक साल बाद आएंगे और सेम अमाउंट 500 करोड़ रुपये लेकर आएंगे, 500 करोड़, और एक साल बाद हम आपको सुनना ध्यान से बैठे, एक साल बाद हम आपको दे देंगे कितना, 500 करोड़, और बदले में वापस ले जाएंगे कितना डॉलर्स, $10 करोड़ ले जाएंगे ठीक। ये कब की बात है, ये है एक साल बाद की, और ये कब की बात है, ये बात है आज की, यहाँ तक सर। ये लिखा कहाँ बेटे, लिखा कहाँ, वो सब भूल जाओ, अब मैं जो समझा रहा हूँ बस ध्यान से समझना, फिर मैं आपको रीड करवाऊँगा, मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको रीड करवा दूँगा। ड्रिल डिप इनकॉर्पोरेशन स्वैप बैंक से एक डील करना चाहता है कि हमें अभी दे दीजिए 500 करोड़, एक साल बाद हम आपका 500 करोड़ वापस दे देंगे, बात खत्म। क्या ये स्वैप बैंक तैयार हो जाएगी? हाँ सर, इसका मतलब ये है कि इसका $10 करोड़ अभी जाएगा और एक साल बाद $10 करोड़ मिल जाएगा। एग्जैक्टली सर, पर ये स्वैप बैंक ऐसा करेगी क्यों? सबसे बेटे ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि ये स्वैप बैंक भी ना कहीं और से अपने आप को कवर करके रखती है, समझा रहा हूँ। मान लो आज ये किसी और बैंक को ठीक से समझोगे बेटे, ये वाला एरिया नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस समझाने के लिए कि ये बैंक ऐसा क्यों करेगी, बस ये समझा रहा हूँ। हो सकता है कि इधर से क्या मिलने वाला, डॉलर, हो सकता है कि ये बैंक इधर डॉलर ट्रांसफ़र कर दे, कितना, $10 करोड़, और बदले में क्या जाएगा इसके पास, 500 करोड़, ठीक ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से 500 करोड़ आया, इधर ट्रांसफ़र कर दिया, बात खत्म ओके। इसके जेब से आज कुछ गया कि आज कुछ नहीं गया, मतलब सर इस बैंक ने भी दूसरे को देकर 500 करोड़ लेकर इसको दिया, यस। अब सुन, एक साल बाद मान लो अब ये भाई साहब कितना दोगे, 500 करोड़, एक साल बाद ये ड्रिल डिप इनकॉर्पोरेशन कितना देगा, 500 करोड़, हम क्या करेंगे, एक साल बाद हम इसको देंगे 500, अब एक बात है, अब डॉलर का रेट कितने, और बदले में ये हमसे कितना लेगा, $10 करोड़ ना पक्का। अब मैं टेंशन में हूँ बेटे, बिल्कुल ध्यान से समझना, काश आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाए, बिल्कुल आराम से बात चल रही है। बात ऐसी है कि आज क्या हुआ, इधर से आया $10 करोड़, हमने $10 करोड़ उधर दे दिया, और बदले में जो 500 करोड़ आया हमने इसको दे दिया। अब एक साल बाद ये भाई साहब आया, 500 करोड़ रुपए दिया, बात यही हुई थी, और बदले में हमको इसको कितना, $10 करोड़ देना है, तो $10 करोड़ तो खरीदना पड़ेगा, हमने इस बैंक से बात कर सकते हैं, हो सकता है फ्यूचर में रेट $1 का रेट $40 हो जाए, तो बताओ 500 करोड़ जो आएगा हमको $10 करोड़ खरीदने के लिए सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ ही खर्च करना पड़ेगा, तो इस बैंक को फ़ायदा हो गया कितने करोड़ का, 100 करोड़ का। बात बस इतनी सी है, इस बैंक को फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, ये किसी और से डील कर लेता है ओके, तो मैं ये वाले पार्ट की बात नहीं करूँगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ इस बैंक को फ़ायदा होता है, पर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ स्वैप हो रहा है। अब बात को समझना, इस बैंक के फायदे की बात हम अभी नहीं करेंगे, हमें बस अभी यहाँ करना, ड्रिल डिप इनकॉर्पोरेशन से एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट किस बात का हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इस बात का हो रहा है कि ड्रिल डिप इनकॉर्पोरेशन आज हमसे ले जाएगा, इससे स्वैप बैंक से ले लेगा कितना, 500 करोड़, और एक साल बाद कितना वापस कर देगा, 500 करोड़ ठीक। बाकी आज जाएगा 10, ये तो जनरली क्या होता है, ये ऐसे नहीं होता, इसको बोला जाता है बाय सेल स्वैप, समझा रहा हूँ मैं आपको, मैं ये मिटा देता हूँ,
ये $10 मिलियन को मिटा रहा हूँ एक मिनट के लिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, बस इतना ही है। इट मीन्स ये आज क्या कर रहा, ये 500 करोड़ बाय कर रहा, बाय। और एक साल बाद क्या कर रहा है, सेल। इसको मालूम है, इसको कोई स्वैप बोला जाता है, इसको बोला जाता है बाय सेल स्वैप। इसके एंगल से बात करूँ, बाय सेल, ये खरीद रहा है 500 करोड़ और वापस कर रहा है 500 करोड़। खास बात है कि इसमें ना सेम अमाउंट पर स्वैप होता है, अमाउंट सेम होना चाहिए, अमाउंट सेम होना चाहिए। इसलिए आज 500 करोड़ खरीदा ना तो एक साल बाद भी 500 करोड़। इट मीन्स सर, $10 मिलियन जो है वो जा रहा था और $10 मिलियन आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, यहाँ तक ठीक है। पर सर, एक साल बाद तो 500 करोड़ रुपए थोड़ी मिलने वाला है इंडियन गवर्नमेंट से, हमें तो कितना मिलने वाला है, 740 करोड़ मिलने वाला है। तो बचा हुआ कितना, बचा हुआ 240 करोड़, इसका क्या करोगे बेटे? इसके लिए फिर हम जो भी उस समय का रेट होगा उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे, सीधी सी बात है। उस समय का जो भी रेट होगा या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसे बोला जाता है बाय सेल स्वैप। ठीक है, यहाँ तक। तो अभी क्या होगा, ड्रिल डीप इनकॉर्पोरेशन 500 करोड़ रुपये लेगा, प्रोजेक्ट में लगा देगा। प्रोजेक्ट से एक साल बाद कितना मिलेगा, एक साल बाद बोलो कितना मिलेगा, एक साल बाद मिलेगा 740 करोड़। उसमें से 500 करोड़ तो यहाँ देकर $10 मिलियन आ जाएगा, बचा हुआ 240 करोड़ को वो कन्वर्ट करेगा किस रेट पे, एक्सपेक्ट जो भी रेट होगा, एक्सपेक्ट स्पॉट रेट। दिस इज स्वैप, उसने बोला ना कंस्ट्रक्ट अ स्वैप, भैया स्वैप कंस्ट्रक्ट करो। तो स्वैप कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहा है, ये वाला स्वैप हो रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बाय ठीक बाय सेल स्वैप। सर, ड्रिल डीप इनकॉर्पोरेशन के पास जो डॉलर है $10 मिलियन वो रखा हुआ है या फिर उधार लेगा बेटे? यहाँ कहीं ना कहीं दिया हुआ, मैं पढ़ाऊँगा क्वेश्चन अच्छे से, वो यहाँ यहाँ कोई बैंक होगी US में, यहाँ से उधार लेगा और यहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एन, एक साल के लिए उधार लेगा। कितना मिलियन उधार लेगा ये ड्रिल डीप? 10 करोड़ डॉलर्स। ठीक, अब पढ़ते हैं और मैं फिर आपको सॉल्यूशन। कंस्ट्रक्ट अ स्वैप दैट विल हेल्प द ड्रिल डीप टू रिड्यूस द एक्शन रेट रिस्क। ठीक है, एज्यूम दैट, आप ये मत समझना कि ए पार्ट अलग है और बी पार्ट अलग है, ए और बी दोनों मिलाकर हमको क्वेश्चन करना, बस यही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। हमको ऐसा लग रहा पहले ए कर लेंगे फिर बी करेंगे, नहीं, ए और बी। बोल रहा है दैट इंडियन गवर्नमेंट ऑफर ए स्वैप स्पॉट, लिखा है $1 इज इक्वल टू 15 वन ईयर। इंडियन गवर्नमेंट या मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। देन शुड द कंपनी शुड ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन, क्या स्वैप एंटर कर लेना चाहिए या फिर कुछ नहीं करना चाहिए? स्पॉट रेट आफ्टर वन ईयर, एक साल बाद हमें एक्सपेक्टेशन है कि $1 कितने का हो जाएगा, 54 का। फॉर दैट यू मे आल्सो एज्यूम दैट ड्रिल डीप कैन आल्सो टेक अ $US लोन, कितने परसेंट पे, 8% पे। दो ऑप्शन, पहला स्वैप एंटर करे, दूसरा मतलब इस स्वैप बैंक से स्वैप एंट्री करे, या दूसरा स्वैप एंटर नहीं करे। अगर मैं स्वैप एंटर करता हूँ, तैयार हो, अगर मैं स्वैप एंटर करता हूँ, स्वैप करता हूँ, कौन सा स्वैप, बाय सेल स्वैप करता हूँ, तो देखते हैं आज कितना जाएगा। $10 मिलियन जो कि हम इससे उधार लेंगे, $10 मिलियन गया, एक साल बाद आएगा कितना, $10 मिलियन तो ये आएगा वापस, दस करोड़, ठीक है, $10 करोड़ आ गया। एक साल बाद कितना आएगा, $10 करोड़ प्लस और कितना रुपए, 240 करोड़ रुपए को भी कन्वर्ट करेंगे किसके हिसाब से, 54 के हिसाब से, वो भी डॉलर आएगा। साथ में मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मुझको उसका उस पर फोकस करना, इंटरेस्ट वो जो पैसा उधार लिया वो वापस भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं स्वैप नहीं करता हूँ तो भाई फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो जो 240 जो 740 करोड़ रुपया है उसको, स्वैप तो हुआ ही नहीं, 54 के हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सर, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेजेंटेशन। इस तरह से पहले तो लिखना पड़ेगा,
लिखोगे ड्रिल ड्रिप, इनकॉर्पोरेशन एंटर्स इनटू बाय सेल स्वैप विथ स्वैप पार्टी फॉर रुपीस 500 crores एट 1 इज इक्वल टू रुपीज 50, इसी पे बात हुई है। इन दिस स्वैप ड्रिल डिप इनकॉर्पोरेशन, इन दिस स्वैप ड्रिल डिप इनकॉर्पोरेशन बाय रुपीज 500 crores 500 करोड़ रुपए बाय करेगा एंड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट। तो क्या कर रहा साहब, ड्रिल डिप इनकॉर्पोरेशन 500 करोड़ रुपया बाय कर रहा और इन्वेस्ट कर रहा प्रोजेक्ट में, ठीक है। आगे लिख लेते हैं, डॉलर्स रिक्वायर्ड टू बाय रुपीस 500 crores, कितना डॉलर लगेगा, रेट दिया है कितना 50 डॉलर 10 crores, यहाँ तक ठीक है। आगे क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद। अच्छा, ये जो 10 करोड़ डॉलर्स है वो यहाँ से उधार लेगा, ऐसा लिखा वहाँ का लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मैंने यहाँ लिखवाया नहीं, हम समझ जाएंगे। आफ्टर 1 ईयर ड्रिल डिप इनकॉर्पोरेशन सेल 500 crore rupees and receive $10 crores, 10 करोड़ डॉलर मिल जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट सात सौ चालीस करोड़ से आए थे ना, एंड रिमेनिंग अमाउंट 740 माइनस 500 कितना बना 240 करोड़। Should be converted at
स्पॉट रेट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या सर? कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम क्या है यार हम लोगों के साथ पता है? प्रॉब्लम बस इतना सा है कि हम लोग ये लिखते नहीं है, मालूम है? बाकी तो ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, एग्ज़ाम में आपके साथ जो नंबर कम मिलते हैं, उसका नंबर कम मिलने की वजह से ये हमको लिखना पसंद नहीं है। ज़माने भर की चीज़ें जो लिखा है ना मैंने, सर कौन लिखे, कैलकुलेटर चलाया, आंसर आया, ठीक। तो ये सब लिखकर मैंने बता दिया कि क्या करना, अब करोगे कैसे? फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट विथ स्वैप लिख लेते, विथ स्वैप। तो दो कॉलम बना लेते हैं, एक हो जाएगा इनिशियल, और एक आफ्टर वन ईयर, ठीक। सबसे पहले हम उधार लेकर पैसा लगा रहे हैं, इनिशियल आउटफ्लो, एक साल बाद इनफ्लो। देखोगे कैश आउटफ्लो, टेन करोड़, ठीक है। किस में पेमेंट हो रहा है? डॉलर्स में। ये कैश आउटफ्लो, पैसा जाएगा आफ्टर वन ईयर की बात कर लेते हैं। आफ्टर वन ईयर कैश इनफ्लोस जो बाय सेल स्वैप है, 500 करोड़ कितने के हिसाब से कन्वर्ट हो रहा है? 50 के हिसाब से। 500 डिवाइडेड बाय 50 तो ये आ गया डॉलर 10 करोड़, ठीक है। बाय सेल स्वैप के अलावा रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग कितना बचा था? 240 पर ये कितने के हिसाब से? 54। ये मान के चलो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ही फॉरवर्ड रेट है। 240 डिवाइडेड बाय 54 तो ये आ गया डॉलर 4.44 करोड़। इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितने का देना पड़ेगा? डॉलर 10 करोड़ का कितना परसेंट? 4%। 4% ही था क्या? 8%। 8% ही है ना? 8%, 10 × 8% 0.8 देना पड़ेगा, तो ये माइनस में, ठीक। सर सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? वो तो 10.8 करोड़ देना पड़ेगा, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात यहाँ नहीं करोगे। अगर ऐसा है तो फिर ये 10 करोड़ को इग्नोर, मेरी बात समझा। कुछ लोगों का एक्स्ट्रा दिमाग चलने लग सकता है। एक्स्ट्रा दिमाग कैसे चलेगा कि सर हाँ कहाँ इंटरेस्ट थोड़ी नहीं देना पड़ेगा, बैंक वाले को तो प्रिंसिपल भी तो वापस करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो फिर इसको उड़ा दो यहाँ से 10 करोड़ को, फिर यहाँ सीधा लिख दो 10। छोड़ो यार, तो चलो देख लेते हैं। दस करोड़ माइनस, पैसा जा रहा है और ये पैसा आ रहा है कैश इनफ्लो। 10 + 4.44 - 0.8 = 13.64 crore। तो प्रॉफिट 13.64 - 10 तो ये आ गया, ये डॉलर में आया, डॉलर 3.64 crore।
इतने का प्रॉफिट है अगर हम स्वैप एंटर कर देते। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है सर जो जा रहा है हमारे पास से एक साल बाद, तो वो 10.80 जा रहा है, ठीक है, ओके। तो फिर एक बार बताओ, आज की बात करो, आज हमारे जेब से कितना गया? 10 करोड़ गए नहीं, क्योंकि तो हम बैंक से उधार लिए थे। तो अगर आप ऐसा लेके चल रहे हो कि एक साल बाद बैंक से पूरा, बैंक से उधार लेकर मैंने पेमेंट कर दिया, तो आज मेरे जेब से क्या गया? कुछ नहीं, तो फिर ठीक है। और बैंक वाले को यहाँ फिर क्या करना, इसको मिटा देना, सिर्फ यही कॉलम बनेगा एक साल बाद वाला, और यहाँ 10.8 कर देना, आंसर आ जाएगा 3.6। खैर ये छोटी सी चीज़ है, मैं इस पर क्यों आपका टाइम ख़राब कर रहा हूँ। अगर मैं स्वैप करता हूँ तो, अगर मैं स्वैप नहीं करता हूँ तो, पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। विदाउट स्वैप स्वैप में भी एक तो देख लेते हम इनिशियल और ये आफ्टर 1 ईयर। कैश आउटफ्लो 10 करोड़, कोई स्वैप तो है नहीं है, 740 करोड़ कितने के हिसाब से कन्वर्ट होगा? 54। तो ये आ गया सर जी डॉलर 13.704 करोड़, पर इंटरेस्ट जाएगा। डॉलर 0.80 सीआर माइनस हो जाएगा, देख लेते हैं। 10 करोड़ आउटफ्लो है, तो प्रॉफिट 12.904 करोड़ माइनस 10, तो आ गया डॉलर 2.904 करोड़। क्या करें, स्वैप में एंटर करते हैं, स्वैप में एंटर करते हैं तो 3.64 करोड़ का फ़ायदा, स्वैप में एंटर नहीं करते हैं तो डॉलर, तो क्या करना चाहिए? इट इज़ बेटर टू एंटर इनटू स्वैप, बस लिख दो बेटे। इट इज़ बेटर to enter into buy sell swap। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ी सी लैंग्वेज क्लियर नहीं है कि क्या क्या लिखा है, और एक सीधी सी बात बोलूँ कि जिसने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया है और उसके सामने ये वाला क्वेश्चन आ जाए, वो नहीं कर पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा कि हुआ क्या करके। बस इतना ही था क्वेश्चन में, थैंक यू सो मच। और भी अगर ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको पक्का, थोड़ा सा लेट आएगा रिप्लाई, पर आएगा ज़रूर। थैंक यू, बाय बाय।